क्या आपने सोचा है कि ज़मीन जिस पर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर ये 10 गुना बड़ी होती तो क्या होता? हमारा सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिसमें ज़मीन 5वें नंबर पर बड़ी है। 2016 में नासा कंपनी ने एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा। नए सितारों और ब्लैक होल की तलाश में नासा ने बड़े पैमाने पर पथरीले सियारों को दरियाफ्त किया, जिनको बाद में सुपर अर्थ का नाम दिया गया। इन सियारों की जो सरफेस थी वो ज़मीन की तरह पथरीली थी। ये जो सियारे थे ये ज़मीन से 2 से 10 गुना तक बड़े थे। तो साइंसदान सोचने लगे कि अगर हमारी ज़मीन भी ऐसी होती तो क्या होता? अगर हमारी ज़मीन 10 गुना बड़ी होती तो इसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी सैटेलाइट हवा में यानी स्पेस में ना रह सकती। मतलब ये कि अगर हमारा वज़न इस ज़मीन पर 150 पाउंड है तो हमारा वज़न उस ज़मीन पर जो 10 गुना बड़ी होती 323 पाउंड होता, और अगर इतना वज़न होता तो हमारे मसल्स इतने मजबूत ना रह सकते। अगर वज़न बढ़ जाता तो हर किसी के लिए चलने में भागने में मुश्किल होती। हमारी ये बिल्डिंग्स अपने ही वज़न पर गिर जाती। ना चीता अपनी रफ्तार से भाग सकता और ना फैलकन अपनी स्पीड से उड़ सकता। अगर ज़मीन 10 गुना बड़ी होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हवा में मौजूद छोटे सियारे ज़मीन से टकरा जाते। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट में मेंशन कर दें।